हुए बुद्धिजीवी साथी और संविधान जागरूकता अभियान को 26 तारीख से 29 तारीख तक गांव-गांव में ले जाने वाले एडवोकेट अमर सिंह जी, उनकी टीम, सभी मेरे सम्मुख बैठे हुए माता बहनों सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी वक्ता हैं, राहुल नागपाल जी हैं जो हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, नीली क्रांति के प्रवक्ता हैं, राष्ट्र प्रवक्ता, और मीडिया बंधु भी हैं जो यहां पर आए हुए हैं, सब लोग बहुजन समाज की बात को उठाने का काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि जितने भी वक्ता हैं, सभी वक्ताओं ने दो चीज पर अपना जोर दिया है कि शिक्षित बनो और भारत के संविधान को बचाओ। तो शिक्षा क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और भारत का संविधान क्या है मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं। आप आजादी से पहले देखेंगे कि इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस देश को संविधान दिया, 26 जनवरी 1950 को जब इस देश के अंदर यह संविधान लागू हुआ तो हमारे सारे रास्ते खुल गए। जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस देश के अंदर आईएएस या डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन सकते हैं, इस संविधान ने सारे रास्ते खोल दिए। ये संविधान क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये आपको समझना पड़ेगा, ये बताने के लिए हम लोग आए हैं आपको। ये जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, ये संविधान को बार बार क्यों जलाना चाहते हैं, क्यों कमजोर करना चाहते हैं, ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये संविधान आपको सड़क से लेकर संसद तक जाने का रास्ता देता है। ये संविधान आपको सम्मान से जिंदगी जीने का रास्ता देता है। ये संविधान बहनों को उस पद पर पहुंचने का रास्ता देता है जिस बहन को पैर की जूती समझा जाता था, उसको देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुखिया बनने का मौका देता है। ये है वो संविधान। ये क्यों खत्म करना चाहते हैं इस संविधान को, ये समझना पड़ेगा आपको। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं। कैसे खत्म कर रहे हैं संविधान को, समझना पड़ेगा आप लोगों को। जो शिक्षा की बात करते हैं ये लोग, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से जब देश के अंदर संविधान लागू हुआ तो हमारे लोग पढ़ने लगे, हमारे लोग गांव से निकलकर शहर में जाने लगे, नौकरी प्राप्त करने लगे। जब नौकरी प्राप्त करने लगे तो उनके पास में पैसा आने लगा। जब पैसा आने लगा, पेट की भूख खत्म होने लगी तो दिमाग की भूख जागने लगी, और दिमाग सोचने लगा कि हम 2500 साल से गुलाम क्यों थे। तो हमारे लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि जिस व्यवस्था ने हमें गुलाम बनाया था उस व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके पेट में दर्द होने लगा, उन्होंने सोचा कि इनको ताकत कहां से मिलती है। तो उनके ग्रुप ने सोचा इनको ताकत एजुकेशन से मिलती है, शिक्षा से मिलती है, उसको काटने का काम किया जाए। तो शिक्षा को दो भागों में बांट दिया गया, एक तरफ तो प्राइवेट शिक्षा कर दी, एक तरफ सरकारी शिक्षा कर दी। प्राइवेट के अंदर कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, बच्चे प्रथम से पहली से ही इंग्लिश बोलने का काम करते हैं, और जो सरकारी स्कूल है छठी में तो ABCD बताई जाती है, तो कैसे वो बच्चे IAS या डॉक्टर बन सकते हैं। शिक्षा का बंटवारा कर दिया, जबकि सरकारों की ड्यूटी होनी चाहिए थी, सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि गरीब के बच्चे को भी अच्छी एजुकेशन दी जाए, जो फंडामेंटल राइट है Article 21A संविधान में लिखा हुआ है। Article 21A 21A कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, मगर सरकारों ने एजुकेशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि आपके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़कर वो देश का निर्माण कर रहे हैं, देश में अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं, वो कोट पैंट टाई पहनकर आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, वो संसद में पहुंचने का काम कर रहे हैं, वो अच्छी अच्छी जगह पहुंचने का काम कर रहे हैं, जो उनको देखकर पेट में दर्द होने का काम करते हैं। तो आपकी एजुकेशन को खत्म कर दिया गया है। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं,
चाहे वो ज्योतिबा फूले रहे हो, चाहे सावित्रीबाई फूले रही हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हो, उन्होंने एजुकेशन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज पावर, शिक्षा इज सबसे बड़ी ताकत है। जिस इंसान ने शिक्षा ले ली होगी वो इंसान कभी भी शोषण का शिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक शिक्षा वो है जो किताबों में लिखी हुई है, एक शिक्षा वो है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान और उनके संघर्ष में लिखी हुई है। क्या आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की शिक्षा अपने अंदर उतारने का काम किया है? नहीं किया है। अगर मेरा समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चल जाता तो इस देश का हुक्मरान बनता। मगर हमने तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ इतना मानने का काम किया है कि रिजर्वेशन मिल जाए, हमारा बच्चा नौकरी लग जाए, पढ़ाई हो जाए तो काम बन जाएगा। इतने से काम चलने वाला नहीं है। साथियों, मानव काशीराम साहब पढ़े लिखे नहीं होते कि देश को सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। बहन कुमारी मायावती अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या मुख्यमंत्री बन सकती थी? अच्छी नहीं बन सकती थी। इसलिए अपने बच्चों को एजुकेशन देने का काम करें। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि जिस थाली में आप खाते हो थाली फेंक दीजिए, मगर अपने बच्चों को एजुकेशन देने का काम कीजिए। अगर आपने अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दी तो काम बनने वाली नहीं है। साथियों, लड़ाई है विचारधारा की। एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, एक उन मनुवादियों की विचारधारा जो आपको गुलाम बनाने का काम करती है। आपको कहते हैं कि आप नीच है, आपको कहती है कि आप छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, आपको कहती है कि आपको सम्मान का अधिकार नहीं है। और एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जैसे उन लोगों को अधिकार है वैसे तुम लोगों को भी अधिकार है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जब संघर्ष कर रहे थे तो गांधी भी विदेश से लौट कर आए। गांधी ने देखा कि इस देश के अंदर भुखमरी है, इस देश के अंदर लाचारी है, इस देश के लोगों पर कपड़े नहीं है, नंगे रहते हैं। तो गांधी ने क्या किया, गांधी ने कपड़े उतार लिए और कसम खाई कि मैं जब तक कपड़े नहीं पहनूंगा जब तक लोगों के बदन पर कपड़े ना आ जाए, क्योंकि बहुत टफ काम था और कपड़े उतारना बड़ा आसान काम था। मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश से आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा इस देश के अंदर लाचारी है, भुखमरी है, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कसम खाई कि मैं इस देश के अंदर एक ऐसा विधान बनाऊंगा कि हर इंसान के ऊपर कोट पैंट टाई आएगी। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान बनाया। तो हम दो विचारधाराओं के बीच में लटके हुए हैं, ना तो हम बाबा साहब को मान पा रहे हैं और ना ही हम ब्रह्मवाद को बात पा रहे हैं। सही कहा राहुल नागपाल जी ने कि आज भी हमारे घरों के अंदर पूजाएं होती हैं, आज भी हमारे घरों के अंदर देवी देवताओं को माना जाता है। मैं बार बार कहता हूं, जब आपको एहसास हो गया कि आप गुलामी के रास्ते पर जा रहे हैं तो क्या गुलामी को भी किस्तों में छोड़ने का काम करेंगे? अगर जब आपको पता लग गया कि आप गुलाम हैं तो गुलामी को तो एक साथ छोड़ दीजिए। आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप अपने आने वाले जनरेशन को गुलाम बनाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। जिस दो माँ अपने बच्चे को मुंडी पकड़कर देवी देवताओं के आगे नतमस्तक कर देती है, वो इंसान कभी बहादुर नहीं बन सकता, वो गुलाम बनेगा, क्योंकि वो डरता रहेगा। और जब तक डरता रहेगा, जब तक उसका जीवन रहेगा, हम लोगों को बहादुर बनाना चाहते हैं, हम लोगों को बहादुर बनाना चाहते हैं, उनको बनाना चाहते हैं। इस देश के अंदर एक ही रास्ता है जो आपको मुक्ति दिला सकता है, आपको IAS बना सकता है, आपको PCS बना सकता है, आपको जज बना सकता है, आपको यहाँ तक कि राष्ट्रपति बना सकता है, जज बना सकता है। वो रास्ता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, वो रास्ता संविधान से निकल कर जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता है तो मुझे भी बताइए कौन सा दूसरा रास्ता है। जिस भगवान ने आपको आजादी से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले उसने किसी को भी आशीर्वाद नहीं दिया, क्या पहले वो आशीर्वाद नहीं दे सकते थे? हमारे लोग पढ़ लिख कर आगे क्यों बढ़े? 26 जनवरी 1950 के बाद ही हमारे लोग क्यों बढ़े, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास अधिकार था, आपके पास अधिकार आ गया, इन अधिकारों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। 2018 के अंदर इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पवित्र संविधान को दिल्ली के अंदर जलाया गया। क्यों जलाया गया?
क्योंकि उनको पता है कि संविधान जब तक जिंदा है इन लोगों की कौमें जिंदा है। अगर संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, इस देश के अंदर मनुस्मृति को ला दिया जाएगा, तो मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है आपको, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि अच्छे मकानों में रहने का अधिकार नहीं है। जब आपको कोई अधिकार ही नहीं है तो कैसे देश पर राज करोगे? राजा बनने की तो बहुत ही बड़ी बात है। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने आपको राजा बनाने का रास्ता दिया। और माननीय काशीराम साहब ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही है कि अपने दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है। अफसोस कि हमने अपनी दीवारों पर यह नहीं लिखा कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, हमने लिखा क्या? धन धन सतगुरु तेरी यात्रा। और क्या लिखा हमने? काली कलकत्ते वाली तेरा वचन ना जाए खाली, हमने तो वो तो लिख दिया। जब ऐसे ऐसे हम लिखेंगे, हमने अपने महापुरुषों की कुर्बानी को, त्याग को, उनके बलिदान को ठोकर मार दी, तो कैसे हम इस देश पर राज कर सकते हैं? हमें समझना पड़ेगा, हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चों को देखना पड़ेगा। जो पानी पीने का अधिकार है, अरे वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। जब तुम शाम को पानी पीते हो तो सोचना कि आपको तो पानी पीने का अधिकार नहीं था। जिस जंगल के अंदर, जिस तालाब के अंदर कुत्ते बिल्लियां पानी पी सकते थे, तुम वहां भी पानी नहीं पी सकते थे, तो ये पानी का अधिकार किसने दिया? अरे आपके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको पानी पीने के लिए लड़ाई लड़ी है, आपके हर सुविधा के लिए लड़ाई लड़ी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे धोखा दे सकते हैं? राजपाल जी ने सही कहा कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ता दिया था, कितने लोग उस रास्ते पर चलते हैं? नहीं चल पाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, यहाँ तक कि अपनी कुर्बानी भी दे दी, मगर फिर भी हमारा समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाते थे गाँव गाँव शहर शहर जाते थे, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए जाते थे, तो कोट पैंट टाई लगाकर जाते थे। एक दिन माता रमाबाई बोली कि आज मैं भी देखती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करते क्या हैं। तो माता रमाबाई भी उनके पीछे पीछे चल दी। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भाषण दे रहे थे तो बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, तो माता रमाबाई एक कोने में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण सुन रही थी। और सुनते सुनते माता रमाबाई घर चली गई, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको देख लिया कि आज तो रमाबाई भी मेरे भाषण सुनने आई है। तो माता जो माता रमाबाई थी उन पर अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छी धोती नहीं थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा कि मेरे पास तो कोट पैंट आई है, मगर मैं अपनी पत्नी को अच्छी धोती भी नहीं दे पाया, अपनी साड़ी भी नहीं दे पाया। तो जब घर गए तो उन्होंने कहा कि रमाबाई मुझे माफ कर देना, मैं आपको अच्छे कपड़े भी नहीं दे पाया, और मैं तो इतने अच्छे कपड़ों में रहता हूँ। तो माता रमाबाई ने कहा कि मेरे कपड़ों की चिंता मत करना, आप उस समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, आप उन बहनों के लिए वो साड़ी देने का काम कर रहे हैं जो हजारों करोड़ों है। ऐसे थी माता रमाबाई, उन्होंने बाबा साहब को आगे बढ़ाने का काम किया। ये थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हम लोग उनके रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। अगर हम उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो गुलाम पैदा होंगी। अगर आपको गुलाम पैदा करने हैं या शेर पैदा करने हैं, निश्चित आपको करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, कायरों की कोई जमीन नहीं होती है और शेरों की जमीन कोई छीन नहीं सकता है। अपना इतिहास पढ़िए, आप भीमा कोरे गांव के वंशज हैं, आप वो वंशज हैं। आपने कहानी सुनी होगी, आपने बिहार की कहानी सुनी होगी, आपने दशरथ मांझी की कहानी सुनी होगी। दशरथ मांझी ने पहाड़ से जिद कर ली, पहाड़ था, पहाड़ से जिद कर ली कि पहाड़ मैं तुझे काट दूंगा। पहाड़ बोला कि तू मुझे काटेगा? दशरथ मांझी ने लगातार 23 साल लगाते उस पहाड़ को काटने का काम किया। हमने सड़क से संसद तक बनाने का काम किया है। इस देश के अंदर जितनी भी बिल्डिंग है उनकी बुनियाद हम रखते हैं, जितना भी पूरे देश के अंदर निर्माण हो रहा है हम करते हैं, खेती हम उगाते हैं, नालियां साफ हम करते हैं, स्कूल हम बनाते हैं, सब
कुछ तो हम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फिर भी हम लोग छोटे हैं, फिर भी उनकी नजरों में हमारी कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि रेस्पेक्ट योर सेल्फ यू विल बी रेस्पेक्टेड। जो अपना सम्मान करता है लोग उसका सम्मान करते हैं, जो अपना सम्मान नहीं करता उसका कोई सम्मान नहीं करता है। तो आपको सम्मान करना पड़ेगा अपना, अपने लोगों का, जभी तो बात बन पाएगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। साथियों, फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लागू कर दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा कि मेरे नौजवान साथी, मेरी बहनें पढ़ लिख कर इस देश पर राज करेंगी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़े खुश हुए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूछा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप खुश क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि आज मैंने अपने लोगों को राजा बनाने का रास्ता दे दिया है, आज मैंने अपने लोगों को अच्छे अच्छे मकानों में रहने का रास्ता दे दिया है, आज मैंने अपने लोगों को इस देश के अंदर मान सम्मान से रहने का रास्ता दे दिया है, उनको अधिकार दे दिया है। तो ब्राह्मण व्यवस्था ने क्या कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने रास्ता तो दे दिया है, आपने अधिकार तो दे दिए हैं, मगर हम अधिकार नहीं जाने देंगे इनके पास, इनको हम जानकारी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम शिक्षा नहीं देंगे तो जानकारी कहां से होगी। नागपाल जी ने कहा कि 2015 से जब 125वीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी, जब से मनाने लगे हैं संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर लागू हो गया संविधान, जब से आज तक 2015 तक इन लोगों ने हमें संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जिससे देश चलता है, जिससे व्यवस्था चलती है, जिसमें हर इंसान के फंडामेंटल राइट है, क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या हर नागरिक को नहीं बताना चाहिए, क्या हर नागरिक को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? मगर नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? जो मनुवादी व्यवस्था कहती है, अगर तुमको जानकारी हो गई, किसी माँ बाप को यह पता लग गया कि आपके बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी, तो लड़ जाएगा, वो लड़ जाएगा, पूछेगा मास्टर से कि मेरे संविधान में मुझे अधिकार मिला हुआ है, मेरे बच्चों को 6 साल से लेके 14 साल तक के लिए एजुकेशन की बात की गई है, आप मुझको एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? अब पता ही नहीं लगेगा कि तुम्हारे अधिकार क्या है, तो तुम कोई लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो। अगर तुम्हें जागरूक करने की बात यहाँ से उठ रही है, अगर वकील साहब और उनकी टीम गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, तो उनसे कहने का काम कर रही है कि पहले संविधान को पढ़ो, अपने अधिकारों को देखो, उसके बाद सरकार से पूछो कि तुमने हमें आज तक हमारे अधिकार क्यों नहीं दिए हैं। यही तो जागरूकता होती है, यही तो जागरूकता होती है। और क्या जागरूकता होती है बताइए आप लोग? मेरी माता बहने बैठी हुई है, आपने आज तक चूल्हे से लेकर सब कुछ काम किए हैं, आपने वो भगत सिंह पैदा किया है, आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पैदा किया है, आपने मांडव काशीराम साहब को पैदा किया है, आपने कबीर को, नानक को पैदा किया है, आपने बहन कुमारी मायावती को पैदा किया है, आप शक्तिशाली हैं, आप शक्तिशाली हैं, मगर आपको अधिकार अगर किसी ने दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, आपको अधिकार दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। इस देश के अंदर नारी को पैर की जूती समझने वाले लोगों के अगर सर पे जूती मारने का अधिकार दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ेंगे और आप इन चक्करों में लग रहे हैं तो आने वाली जनरेशन को क्या देने वाले हैं? भगवान नाम की दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं है। अगर भगवान नाम की कोई चीज होती तो ब्राह्मण आपको बिल्कुल भी मंदिरों में नहीं आने देता, बिल्कुल नहीं पूजा पाठ कराता, वो अपने अंदर रख लेता, आपको दिखाता भी नहीं, आपको नहीं बताता कि कोई ऐसे यहाँ पे कुछ मिलने वाला है, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपके बच्चों को कुछ मिलने वाला है तो इस संविधान से मिलना है, शिक्षा से मिलना है, और किसी से मिलना नहीं है। साथियों, पूरे देश के अंदर जो माहौल है आज, आपने देखा होगा गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, आपने देखा होगा किसानों के साथ में क्या हो रहा है, नौजवानों के साथ में क्या हो रहा है। ये सरकार ने जो वादे किए थे वो आपको देने का काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं देने का काम कर रही है? क्योंकि संविधान गारंटी देता है उस बात की, मगर उनके एक मिनिस्टर है अनंत कुमार हेगड़े, अनंत कुमार हेगड़े कहते हैं कि वी आर स्टैंड हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम भारत के संविधान को चेंज करने के लिए यहाँ पर हैं। जब हमारे लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप भारत के संविधान को बदलने के लिए बात करते हैं,
तो उन्होंने कहा नहीं बदलने की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री बोले मगर धीरे धीरे पूरे देश में प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट क्यों किया जा रहा है समझना पड़ेगा आपको। आपके इस संविधान को हाथ नहीं लगाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा, मगर इसके अंदर जो अधिकार है उनको सबको बदल दिया जाएगा। आपको रिजर्वेशन 3 जगह मिलता है, आपको रिजर्वेशन 3 जगह मिलता है, एक पढ़ाई में रिजर्वेशन मिलता है, पढ़ाई के बाद नौकरी में मिलता है, उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। आपको पढ़ाई कराने नहीं देंगे, शिक्षा दे नहीं रहे हैं, नौकरी में प्राइवेट कर रहे हैं। जब सब्जी के प्राइवेट कर देंगे, लाला की दुकान कर देंगे, तो वो अपनी मर्जी से लोगों को वहां पर रखेगा। जो 50,000 रुपए की नौकरी गवर्नमेंट देती है, 15,000 रुपए में आपको काम कराएगा, और आपके ऊपर तलवार भी लटकी रहेगी कि कब लाला जी मुझे अंदर से बाहर निकाल देंगे पता नहीं है। तो वो आपके जो दौलत है उसको भी खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने रिजर्वेशन के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है इस देश के अंदर, आपने बोला है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, आपने सोचा कि भाई रिजर्वेशन तो हो गया, हमें आरक्षण में भी जो हमारा जो प्रमोशन है उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए, लड़ाई लड़ी है पूरे देश के अंदर, मगर कभी आपने कोई आंदोलन किया है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन इस देश के अंदर खत्म नहीं होना चाहिए? आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया था, मगर वो लोग लगातार उसको बढ़ाते आ रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, आपको कहना भी नहीं पड़ता फिर भी बढ़ा रहे हैं। आपने कभी सोचा क्यों बढ़ा रहे हैं? एक रिजर्वेशन को बार बार खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो आपके एजुकेशन में है, जो आपकी नौकरी में है, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और अपने माध्यम से। मगर एक तरफ जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं और 1061 जो विधायक जाते हैं देश के अंदर से, उसको आपको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। वो बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। कभी सोचा क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? उनको पता है कि जो हमारी पार्टी से जाते हैं उसके गले में हमारा पट्टा होता है, उनके गले में हमारा पट्टा होता है। वो अपने लोगों की बात नहीं रखते हैं। देश की राजधानी के अंदर संविधान को जलाया जाता है, मगर 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग एक की आवाज नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि उनके गले में पट्टा पड़ा हुआ है। अगर हम किसी को पट्टा डालकर वहां पर बैठाने का काम करेंगे, जिस संसद में संविधान की सुरक्षा होती है, जिस संसद के अंदर संविधान के संशोधन किए जाते हैं, जिस संसद के अंदर हमारे लिए रास्ते खोले जाते हैं, जिस संसद के लिए संसद के अंदर हमारे अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है और हमारे कानून बनाए जाते हैं, वहां हमारे लोग बैठे हुए हैं, मगर वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हारे लोग नहीं हैं, वो उनके पट्टेधारी वाले लोग हैं। तो ऐसे रिजर्वेशन को नहीं होना चाहिए। आपके अच्छे लोग जो आपकी बात को पार्लियामेंट के अंदर रख सकते हैं, जो आपकी बात को विधानसभा में रख सकते हैं, ऐसे लोग वहां पर जाने चाहिए। जब ही आपका जो संविधान सुरक्षित होगा, जब ही आपके सारे अधिकार सुरक्षित होंगे, इस बात पर भी आपको सोचना पड़ेगा। क्या आप सोचने के लिए तैयार हैं? आज यहाँ पर वकील साहब ने यह बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है। आज आए आप देखा कि कुछ लोग दिल्ली से आए, कुछ गाजियाबाद से लोग आए हैं, आपको कुछ कहकर गए हैं। आपको सिर्फ सुनकर नहीं जाना है, इन बातों पर अमल भी करना है। और एक एक बात को गूगल लिखा हुआ है, गूगल आप डालेंगे, जियो ने सब फ्री कर रखा है, आप गूगल डालेंगे देखेंगे कि आप एक बात लिखना उसमें कि देश में रात को कितने लोग भूखे सोते हैं, देश में रात को कितने लोग भूखे सोते हैं। तो जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं देश के अंदर, 19 करोड़। ये लॉकडाउन से पहले की बात थी, लॉकडाउन के बाद तो मुझे लगता है कि 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते होंगे। कौन लोग हैं वो? वो हमारे अपने लोग हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। रोटी कपड़ा और मकान जो सरकार को देना चाहिए था, आज भी इस देश के अंदर इतने लोग हैं कि उनके पास में मकान नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं है उनके पास में, तो कैसे वो संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे? साथियों, हम पेट की लड़ाई लड़ते रहते हैं, पूरे जीवन कमाते रहते हैं, पूरे जीवन कमाते रहते हैं, पेट को भरते रहते हैं, पेट को भरते रहते हैं, और हमारे दादा ने भी पेट भरा, हम लोग भी पेट भर रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चे भी पेट कर रहे हैं। वो भी मजदूर था, हमारा बाप भी मजदूर और हम भी मजदूर। क्या हम देश के अंदर मजदूर बनने के लिए आए हैं? अरे जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको इस देश के अंदर राजा बनाने की बात कही, उसकी संतानें मजदूर बन रही हैं। ये सोचना पड़ेगा आपको कि हम मजदूर क्यों हैं? मजदूर इसलिए हैं क्योंकि हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने अंदर उतारा नहीं है।
अगर हम बाबा ताप को अपने अंदर उतार लेते तो मजदूर पैदा नहीं होते हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे लोगों को तैयार कर पाते मगर हम तैयार नहीं कर पाए हैं। जो लोग तैयार हो गए हैं, जो लोग शहरों की तरफ चले गए हैं, जो लोग वकील बन गए हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर चले गए, उनकी ड्यूटी होती है कि गांव की तरफ आए और गांव में ऐसे जन जागरण करने का काम करें, तभी तो बात बन पाएगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। और दूसरी बात ये कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब सारे अधिकार आपको दे दिए तो हमारे लोगों को ऐसी कौन सी बात है जो उनको उनको अच्छी अच्छे लोगों में बैठने से डर लगता है, उनको कहते हैं कि भाई नहीं हम नहीं बैठेंगे। उनके अंदर एक घृणा की जो एक जो गिल्टी बनी हुई है वो क्यों बनी हुई है? इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमने सच्चाई को नहीं समझा है। अगर हम सच्चाई को समझ लेते तो अब तक हम लोग इस देश के अंदर एक मुकाम बना पाते। आपने कौम देखी होगी सरदार कौम, आपने एक सरदार कौम देखी होगी इस देश के अंदर, वो बहुत छोटे थे जनसंख्या के अंदर देश के अंदर रहते हैं, मगर आपने कोई भिखारी नहीं देखा होगा, आपने कोई ऐसा नहीं देखा। आज वो कई करोड़ लोगों को खाना बनाने का काम करते हैं, कई करोड़ लोगों को खाना बांटने का काम करते हैं, मगर हमारे लोग तो पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, पेट की लड़ाई लड़ो मैं मानता हूं, मगर इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? दिमाग की लड़ाई कौन लड़ेगा? अरे पेट के लिए खाना चाहिए, दिमाग के लिए किताब चाहिए। आपने अपने घरों में कितनी किताब रख रखी है, कितने बच्चों की लाइब्रेरी बना रखी है, सोचना पड़ेगा। आपने किताबों से दूर हो गए हैं, शिक्षा से दूर हो गए हैं। जो इंसान किताबों से शिक्षा से दूर हो जाएगा वो बुद्ध से और अम्बेडकर से दूर हो जाएगा। अगर तुम्हें अम्बेडकर बुद्ध के पास आना है तो किताबों को अपने घर में लेके आना पड़ेगा, शिक्षा को अपने घर में लेके आना पड़ेगा, संविधान को अपने घर में लेके आने पड़ेगा। जबकि तुम अम्बेडकरवादी हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते। क्या अपने घर में शिक्षा को लेकर आओगे? क्या अपने घर के अंदर किताबों को लेकर आओगे? अगर आप अपने घर के अंदर किताबों को नहीं लेकर आए तो आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धोखा देने की बात करेंगे, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, पूरे देश के अंदर लड़ाई छिड़ रही है। क्या लड़ाई छिड़ रही है पूरे देश के अंदर? अपने मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। आज अम्बेडकरवादी लोग सबके टारगेट पर है। जो इंसान बोलता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, जो इंसान बोलता है उसको गोली से मार दिया जाता है। आपने 2 अप्रैल को देखा होगा जब संसद जब पार्लियामेंट के अंदर दो जजों ने आपके SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 को चेंज करने का काम किया। दो जजों ने चेंज करने का काम कर किया, डायलूट करने का काम किया। तो आप जैसे लोगों ने, देश के नौजवानों ने, देश की महिलाओं ने 2 अप्रैल को इस देश को बंद करने का काम किया, 2 अप्रैल को देश को बंद करने का काम किया, 2 अप्रैल को हमारे 13 बच्चों को शहीद होना पड़ा, हमारे लाखों लोगों पर FIR हुई, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, कई लोगों पर NSA लगाने का काम किया, मगर हमारे लोग झुके नहीं। सरकार को झुकाना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा, और सरकार ने हमारे अधिकारों को दोबारा पे निश्चित सुनिश्चित करने का काम किया। ये आपकी ताकत है। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हाथी दिया है ना, जो हाथी है वो हाथी के पीछे भी एक कहानी है। और नीली क्रांति क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो नीला कलर दिया है वो क्यों दिया है? आसमान नीला है, आसमान के नीचे जितने भी लोग हैं सब समान हैं। आसमान किसी में भेदभाव नहीं करता है। जैसे आसमान किसी में भेदभाव नहीं करता है, वैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सिद्धांत नीली क्रांति किसी में भेदभाव नहीं करती है। इस देश के अंदर सब लोग समान हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं और सब लोग बंधुता के साथ रहें। ये है नीली क्रांति, ये बाबा साहब का नीला कलर है। और हाथी क्यों दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने? हाथी विशाल है। जैसे हाथी विशाल है, उसमें जितनी ताकत है, वैसे ही हमारा समाज भी विशाल है। बहुजन समाज बहुत बड़ा विशाल है, मगर हाथी को गुलाम बना लिया है। कैसे गुलाम बना लिया है? जब हाथी छोटा होता है तो उसके पैर में बड़ी बड़ी मोटी मोटी सांकल बांधी जाती है। हाथी बहुत जोर लगाता है, हाथी का जो बच्चा होता है बहुत जोर लगाता है, मगर मोटी मोटी सांकलों को नहीं तोड़ पाता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, सांकल छोटी होती चली जाती है। और जब बड़ा हो जाता है तो उसके माइंड में एक बात बैठ जाती है कि
कि मैं इस लोहे की सांकल को नहीं तोड़ सकता, मेरे पास ताकत नहीं है। और जब बहुत बड़ा हो जाता है हाथी तो उसको रस्सी से बांध दिया जाता है, उसके माइंड में ये गुलामी भर जाती है, उसके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। नहीं तो हाथी अगर जाग जाए तो ऐसी कितनी हजार रस्सियों को तोड़ देगा, क्योंकि विशाल है। ऐसा ही अगर मेरा समाज जाग जाएगा तो ब्राह्मण व्यवस्था को चेंज कर देगा। आपको जागना पड़ेगा। कब जागोगे आप? जब जागोगे, जब हम लोग फिर दोबारा आजादी से पहले का समय आ जाएगा, आजादी का पहले का समय आ जाएगा, जब जागने की बात करोगे। आपने हाथरस का केस देखा होगा, एक बेटी को 2 बजे रात को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जाता है। इस देश के अंदर ये आजादी के 72 साल के बाद में हो रहा है। जैसा पूछते हैं कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या करते, अगर आपकी बेटी होती तो क्या करते, अरे जनता पूछने की जरूरत क्या है? ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को अगर सजा देते तो और भी लोगों की हिमायत नहीं होती कि वो किसी की बेटी को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दे। आपने सजा तो दी नहीं, आपने सजा तो दी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा अपना आदमी है। ऊपर से मंत्री से लेकर संतरी तक तब इनके लोग बैठे हुए हैं। कहां न्याय पाओगे आप? नायक उम्मीद करते हैं आपको जागना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको अंबेडकरवादी बनना पड़ेगा। अगर अंबेडकरवादी नहीं बने तो आपकी आने वाली संतानें कभी इस देश पर राज नहीं पकड़ेंगी। अपनी लास्ट एक बात कहूंगा कि आपको अंबेडकरवादी क्यों बनना है? अंबेडकरवादी बनना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है अंबेडकरवादी बनना। और अंबेडकरवादी लोग होते कहते हैं, अंबेडकरवादी लोगों का इस देश के अंदर काम क्या है, कैसे दिखते हैं अंबेडकरवादी लोग, अंबेडकरवादी लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन है अंबेडकरवादी लोग, कैसे होते हैं अंबेडकरवादी लोग। एक हॉस्टल था, हॉस्टल के अंदर 4 बच्चे, बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। एक बच्चा गांधी की विचारधारा का था, एक नेहरू की विचारधारा का था, एक पटेल की विचारधारा का था, एक बाबा था डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का था। जो गांधी की विचारधारा का था वो बड़ा सातिर दिमाग था। उसने सोचा कि खीर बनाएंगे खीर, तो कोई चावल लेकर आया, कोई दूध लेकर आया, कोई चीनी लेकर आया, खीर बन गई। खीर बनने के बाद होना क्या चाहिए था कि 4 हिस्सों में बराबर बराबर बांट देनी चाहिए थी। जो हरार की है, हरार की है ना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आज तक बराबर बराबर नहीं बटा है, आज तक बराबर बराबर नहीं बटा है। बराबर बराबर बट जाता तो काम कुछ और ही हो जाता। तो ब्राह्मण वो बोला गांधी की विचारधारा का कि भाई रात को सो जाओ, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वो खीर खाएगा। बराबर बराबर नहीं बांटूंगा, रात को सो जाओ, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा खीर उसको मिलेगी। सारे लोग सो गए, सोने के बाद सब उठे तो सबसे पहले गांधी वाला बोला कि मेरे सपने में रामचंद्र सीता आए थे, बोले थे तू सबसे अच्छा है, खीर तू खा लेना। अब जवाहर वाला बोला रुक गांधी वाले, मेरे सपने में रामचंद्र सीता साथ में लक्ष्मण भी आया था, कह रहा था तू सबसे अच्छा, तू खीर खाना। अब पटेल वाला थोड़ा ताकतवर था, वो बोला कि रुको, मेरे सपने में रामचंद्र सीता और लक्ष्मण हनुमान सब आ गए, कह रहे तू सबसे अच्छा, तू खीर खाना। कह रहे भाई खीर तो तेरी हो गई। अब वो बोले कि भाई खीर तो हम तीनों बांट लेंगे आपस में, कोई बात नहीं, इस अंबेडकरवादी से भी पूछ लीजिए इसके सपने में रात को कौन आया। तो बोला कि रहने दो, कोई बात नहीं। कह रहा बताओ तुम्हारे सपने में कौन आया। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वाले ने बोला कि रात को 2 बजे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए, बोले सदियों से सोता रहा है खीर खा ले, मैं तो रात को 2 बजे ही खीर खा ली, भैया खीर भी नहीं है कुछ भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अंबेडकरवादी होगा उस पर कभी शोषण नहीं होगा, जो अंबेडकरवादी होगा उस पर शोषण नहीं होगा, वो सबसे पहले अपनी बात को रखने का काम करता है। इसलिए मेरे साथियों नेक बन जाओ, अंबेडकरवादी बन जाओ, धोखा मत दो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से। जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, धोखा मत दो यार। क्यों धोखा देते हो आप लोग? अगर आप धोखा दोगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तो मैं रियल बोल रहा हूँ कि आपके बच्चे भी आपको धोखा देंगे, क्योंकि आपने उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को धोखा देने का काम किया है, जिन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान करके आपको बच्चा मानने का काम किया था। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। तो आप गांव गांव जाकर, घर 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 जाके आपकी जिम्मेदारी है, मातृ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, मातृ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि ये लोग दिल्ली से आ गए, गाजियाबाद से आ गए, यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है।
कि आप लोग अपने समय से निकाल कर लोगों को तैयार करें, बच्चों को तैयार करें। ये जनजागरण का मामला है, ये लड़ाई हो रही है दूसरी आजादी की, ये लड़ाई करनी है हमको। एक आजादी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देके चले गए, संविधान देकर चले गए, अधिकार देकर चले गए, मगर इनको सुरक्षित करने की आजादी है। इस आजादी के अंदर, इस आंदोलन के अंदर आप लोग घरों से नहीं निकले तो बात बनने वाली नहीं है, घरों से निकलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घरों से निकलेंगे, अपनी महिलाओं को आजादी देनी पड़ेगी, अपनी महिलाओं को आजादी देनी पड़ेगी, बहनों को बेटियों को पढ़ाना होगा, उनको घरों से बाहर निकालना होगा। आप कैसे नहीं निकालना चाहते उन लोगों को? आपने आपने अपने जीते जी लड़कों में और लड़कियों में अंतर कर दिया है। लड़कों के लिए तो बाप पूरे जिंदगी जिंदगी कमाता रहता है, उसके लिए बिल्डिंग बनाता है, और बेटी को सोचता है कि 10वीं पास हो जाए शादी कर दूंगा, हाथ पहले कर दूंगा। वो हाथ पहले करने के लिए नहीं आई है, वो इस देश के अंदर मुख्यमंत्री बनने के लिए आई है, इस देश के अंदर राष्ट्रपति बनने के लिए आई है, इस देश के अंदर वो प्रधानमंत्री के बनने के लिए आई है, इसलिए आई है महिला। बाबा साहब ने क्या कहा कि जो मेरी 50% महिला है, अगर वो जागरूक हो जाए तो मेरा समाज जागरूक हो जाएगा। हमने अपनी महिलाओं को जागरूक नहीं किया है। आपको शायद मालूम नहीं है कि मैं, मेरे फादर के हम चार बच्चे हैं, मैं वकील साहब बैठे हुए हैं, दो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, चारों हम वकील हैं। सिंह साहब है वो भी वकील है, जो मेरे घर में है वो भी वकील है, जो मेरी भाभी है वो भी वकील है, हमारे घर में सारे लोग वकील हैं, और जो पैदा बच्चे हो रहे हैं वो भी बैरिस्टर पैदा हो रहे हैं, वो छोटे मोटे नहीं, वो विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए। हमने कहा है कि हमारी जो जमीन है अगर वो भी बिक जाएगी तो कोई बात नहीं, हम जमीन पर रहने का काम करेंगे, सोने का काम करेंगे, मगर बच्चों की शिक्षा के लिए अपने आप को बेचने का काम करेंगे, उनको अच्छा पढ़ाने का काम करेंगे, रुकने वाले नहीं है। आप क्यों नहीं करना चाहते? आप क्यों नहीं करना चाहते? उदास कब तक बैठे रहोगे? उदास नहीं बैठना है। माना कि मेरा घर लिपा नहीं है, पोता नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, मैं मानता हूं उस बात को, बहुत सारी कमियां हैं, माना कि मेरा घर लिपा नहीं है, पोता नहीं है, मगर मिलजुल के बैठो तो बुरा भी नहीं है, हमें आपस में मिलजुल कर बैठना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, घरों के अंदर, परिवार के अंदर और पूरे देश के अंदर जो माहौल है, पूरा देश अपना है, पूरे देश में लोग अपने हैं, तो साथियों खड़े हो जाओ, जब तुम खड़े हो जाओगे तो बात बन जाएगी। और मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो। हम तो किसी से अधिकार मांगने भी जाते हैं ना, डरे डरे जाते हैं, थाने में चले जाओ कभी हमारे लोग, पहले तो अंदर घुसने की हिम्मत नहीं है, पहले तो थाने में घुसने की हिम्मत नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, हमारी घुसने की हिम्मत नहीं होती है, अपने अधिकारों को मांगने की हिम्मत भी नहीं है। आप किसी ऑफिस में जाएंगे, आपके नाम से कुछ चेक आया है, आपके नाम से कोई अधिकार मिला है, तो आप बिचौलिया को ढूंढेंगे, कोई हमारा काम करा दे, आपके अंदर इतने, हमारे समाज के, मेरे समाज के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि जाकर कहे कि मेरे नाम पर यह चीज है, मेरा अधिकार है, मुझे दो। हमारी आहों में भी असर नहीं है, तो मैं कहता हूं ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, जुर्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, जुर्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान तो सुनो, घर घर में अम्बेडकर पैदा करो, घर घर में अम्बेडकर पैदा करो, घर घर में अम्बेडकर पैदा करो, उनकी सोच जैसा बच्चा पैदा करो। और बड़े अच्छे कह रहे थे कबीर, जो लास्ट कवि हैं, तो अभी बताया उन्होंने, अमर सिंह जी ने, कि जहां भी जाते हैं वो देश के पहले बहुजन कवि हैं जो सबसे ज्यादा पैसे लेते हैं प्रोग्राम करने के लिए, पार्लियामेंट में जाते हैं, पूरे देश के 22 राज्यों में ज्यादा काम किया है। वो सही कहते हैं कि जैसे कि पूजा करोगे आपको वैसा ही पति, वैसा ही बच्चा मिलेगा। मैं जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं, एक बात पूछना चाहता हूं कि गणेश जी अपने घरों में लगा रखे हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। अभी शादी की समय चल रहा है, शादी का समय चल रहा है, सारे इनविटेशन कार्ड देते हैं, वकील साहब शादी में आना, शादी में जाना, सबसे देते हैं, तो गणेश की मूर्ति लगी हुई है, गणेश की मूर्ति लगी हुई है, घरों पर जाते हैं सबसे पहले गणेश जी लगे हुए हैं। मैं कहता हूं कि अगर गणेश जी जैसा बच्चा पैदा हो जाए तो कौन कौन सी महिलाएं, कौन कौन से आदमी जो खुश होंगे,
अगर आपका बच्चा गणेश जैसा पैदा हो जाए तो कौन कौन लोग खुश होंगे? हमारी लड़की की जरा सी नाक लंबी हो जाती है तो माँ बाप को प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्ची की शादी कैसे होगी, और इतना लंबा सूंड आ गया तो कैसे भैया तुम शादी कर पाओगे? आपको सोचना पड़ेगा, जैसे भगवानों को आप पूजेंगे, जैसे को आदर्श बनाओगे, आपके बच्चे भी वैसे बनने का काम करेंगे। आप आदर्श बनाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आदर्श बनाए, कोट पैंट टाई जैसा बाबा साहब ने पहने, तो आपके बच्चे भी इस देश के अंदर कोट पैंट टाई पहनेंगे, इस देश पर राज करने का काम करेंगे। अपने सोचने की शक्ति को ज्यादा बढ़ाए। आप निकले उस अंधकार से निकले जिस अंधकार में आपको डाल रखा है, उस अंधकार में आपको समझना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं तो विश्वास मत करना, अभी गूगल डालना, अभी गूगल करना, किताबें पढ़ना। देश के 10 मंदिर हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर मंदिर हैं, अगर उनसे पैसा निकाल लिया जाए तो देश में एक भी आदमी करोड़पति से कम नहीं होगा। अगर उनका सारा पैसा निकाल लिया जाए तो हर इंसान के पास में करोड़ों की दौलत होगी, मगर ये लोग आपको पैसा नहीं देना चाहते। वो पैसा कहां जाता है मैं बताना चाहता हूं। एक मंदिर और देश में बन रहा है, राम मंदिर। वो मंदिर नहीं है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री बन रही है, जहां से पैसा आप लोग देते हैं वो पैसा फिर बीजेपी को जाता है, और बीजेपी चुनाव लड़ती है, विधायकों को खरीदने का काम करती है, फिर सरकार बनाती है। सरकार बनाने के बाद मात्र मिनटों में 10% रिजर्वेशन दे देती है आर्थिक आधार पर। आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप जिस रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ते हैं ना वो 10 मिनट में दे देती है। जब सरकार होती है तो आपके गौतम बुद्ध नगर बनता है, कबीर नगर बनता है, आपका अम्बेडकर नगर बनता है, आपके महापुरुषों पर नाम बनते हैं। जब सरकार होती है तो देश का सबसे बड़ा बुद्धा सर्किट बनता है, जब सरकार होती है तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, जब सरकार होती है तो देश के अंदर बुद्ध में हो जाता है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था इस देश को, मैं इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना। जब सरकार होती है, अब राजा होते हैं तो राजा का धर्म चलता है, राजा का धर्म चलता है, गुलामों का धर्म नहीं चलता है। गुलामों की तो कुछ नहीं होता, गुलाम तो गुलाम है। तो हम जिसकी संतान है वो तो गुलाम नहीं देखना चाहता था। और एक आखिरी में अपनी बात कहूंगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर, मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। जब बाबा साहब, हम लोग सबको मरना है ना, जितने भी लोग बैठे हैं सबको मरना है। कोई 60 साल में जाएगा, कोई 70 साल में जाएगा, कोई पहले भी निकल ले, कोरोना चल रहा है। तो एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था कि तुझे तो यहाँ आना ही था पर सारी जिंदगी गुजर गई आते आते, तुझे तो यहाँ आना ही था पर सारी जिंदगी गुजर गई आते आते, दुनिया वालों ने तुझे क्या दिया, अपनों ने जला दिया जाते जाते, अपने जला देते ना जाते जाते। अब मैं एक दृश्य देख रहा हूं, दृश्य, जब हम यहां से जाएंगे तो एक तरफ ज्योतिबा फूले होंगे, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर होंगे, एक तरफ मानव काशी राम साहब होंगे। जब हम यहां से जाएंगे, मैं एक दृश्य कर रहा हूं, मैं इन बातों में विश्वास नहीं कर रहा, एक दृश्य कल्पना करो कि जब हम यहां से जाएंगे तो जब तीनों बैठे होंगे, हमसे पूछेंगे कि हमने अपने बच्चों की कुर्बानी दी आपके लिए, हमने संविधान बनाया, अधिकार दिए, सब कुछ तो दे दिया था, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि तुमने अपने जिंदगी जानवरों से भी ज्यादा बदतर जी, आप देश के अंदर आप सम्मान के लिए क्यों नहीं लड़े? तो क्या जवाब दोगे उनको, क्या जवाब दोगे उन लोगों को, बाबा साहब को क्या जवाब दोगे? क्या उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको बाबा साहब के अंबेडकर के आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, उनसे सवाल करने हैं, तो खड़े उठ जाओ और उठकर अपने आंदोलन के लिए काम करो। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो उद्धव, जय नीलकंठ।